So today there is a big surprise, and I want you to give the surprise yourself, a new surprise. So why did you do that? Exactly. जैसे हर साल रेनो गिल के फोरम पे हम कोई ना कोई गाड़ी इंट्रोड्यूस करते हैं. सो दिस ईयर वी वॉन्ट टू अगेन शोकेस आर ब्रांड न्यू कार रेनोलॉजी विच इज एन एमपीवी. बाय द वे रेनो इज द इन्वेंटर ऑफ एमपीवीज इन द वर्ल्ड एंड दिस इज अगेन अ कार विच इज यूथफुल डायनेमिक एंड यू नो मेंट फॉर प्रोग्रेसिव पीपल लाइक मी. एब्सोल्युटली. So, bulaya jaye. So, can we have the Renology? तो यार ये गाड़ी तो वाकई जबरदस्त लग रही है. क्या क्या इसकी आप बताएं कैसा लगता है आपको? मुझे तो जबरदस्त लग रही है. इसका सबसे बड़ी बात इस गाड़ी में जैसा कि हमारी कंट्री में बड़ी फैमिलीज होती हैं. यू कैन सी दिस कार हैज गॉट टू मच ऑफ स्पेस इन इट. मैं आपको एक आइडिया दूं. हाँ ये जो आप पूरी डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं ना ये एग्जैक्टली मेरे को फिट होती. तो ये गाड़ी आप मुझे दे दीजिए प्लीज. क्योंकि लास्ट ईयर मैंने गाड़ी सलमान साहब को दी थी पर मुझे देना नहीं चाहते. आप देंगे कि नहीं मुझे गाड़ी? कैन आई हैव द कीज प्लीज? दीजिए प्लीज दीजिए ना यार. नहीं यार नहीं. He's a large hearted guy. Yeah. But actually, that's... I don't. To be honest with you, he's a very large hearted. Renault is a very, very large hearted company. He's a very large hearted CEO. But honestly, I don't deserve this car. Genuinely. Genuinely. I want to ask the audience over here. ये गाड़ी किसको देनी चाहिए? देखो यहाँ बहुत बड़े कलाकार हैं, एक्ट्रेसेस हैं, बहुत खूबसूरत लोग हैं. There's Deepika over here. There is Deepika. How are you? There is Basun ji. बहुत मैं बहुत बड़ा आपका भक्त हूँ, फैन हूँ मैं आपका. सुभाष जी सर, मैं आज यहाँ खड़ा हूँ आपकी वजह से हूँ. अगर आपने मुझे काम नहीं दिया होता तो मैं शायद शादी भी नहीं करता. आपने मुझे साइन किया तो मैंने जाके सुनीता को प्रपोज भी किया. थैंक यू वेरी मच. प्रियंका जी एकदम झकास. साजिद हाउ यू? इसने मुझे साइनिंग अमाउंट लेके भी साला पिक्चर में नहीं लिया. अरे टाइगर 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 यार, आई लव योर फादर यार. ही इज सच अ ग्रेट गाय. आई जस्ट लव हिम. यू नो आई हैव डन 13 फिल्म्स विद जैकी. 13 फिल्म्स. 13 फिल्म्स. आजकल हीरो तो साले एक फिल्म दूसरे हीरो के साथ ही. यू नो आई डू एज वेरी मल्टी स्टार एंसेंबलर बिकॉज वाटर फाइंड्स इट्स ओन लेवल. इट फाइंड्स इट्स ओन लेवल. सो बिल्कुल डरने का नहीं, काम कर देगा. सो ये गाड़ी किसको देनी चाहिए? रितेश, ऋतिक जी, गुड्डू जी, ये गाड़ी who deserves this car? I'm asking the audience. Okay, let's have a audience. तो किसको दी जाए? You deserve it. क्या बात कर रहे हैं यार? नहीं यार ये. Sir, you see the thing that the car is. You see, I'm not as young as this guy. Come on, let's face it. I'm not delusional. ये गाड़ी में कुछ बात है. इसमें एक दम है. इसका फिजिक देखो. इसका फ्रंट देखो सर. ये जो है ये देखिए सर. ये कितना कमाल है सर. ये देखिए सर. यू नो यू फील लाइक जस्ट द कार. इट्स सो फैंटास्टिक. इट्स टेरिफिक. इट्स फैबुलस. एब्सोल्युटली फैंटास्टिक. टू हू डिजर्व दिस कार? लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम आस्किंग यू. कम ऑन रितेन रोशन प्लीज कम ऑन स्टेज एंड टेक द कार. प्लीज प्लीज प्लीज. Nobody deserves this car. Does he deserve the car or no? Exactly. I think the first proud owner of this car after a few weeks, Hrithik Roshan. Hrithik Roshan, please give him a big hand. And that's the original piece. Sir, yaar, bahut, he's a bloody inspiration, yaar. He's die. No, no, it's all good. No, jagat. One more time. Haji, sir. Sir. Very difficult for me. Acha. To accept this car because while I'm driving this car, your pose will come into my mind. Again and again, accident ho jayegi. Okay. So. Jagas, pose. Yes, sir. Key, your hand, mind blowing. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you very much.
सर इसको बोलते हैं सर दोस्ती, यू नो अपब्रिंगिंग, इट्स अपब्रिंगिंग. थैंक यू सर. थैंक यू सर. गाड़ी में बैठ के जाते थे ना. चलो आइए सर. थैंक यू. बाय बाय. और अब वक्त है एक बहुत ही प्रेस्टीजियस अवार्ड का. जब हम किसी शख्सियत को उसके एक दिन, एक फिल्म या एक सक्सेस के लिए नहीं बल्कि जिंदगी भर के ग्रेट अचीवमेंट के लिए सम्मानित करते हैं, तो इस साल के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड को प्रेजेंट करने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा द डैशिंग हीरो सुपरस्टार मिस्टर ऋतिक रोशन जी को. Hello everyone, thank you so much. This evening I am going to talk about greatness. This man, he taught me that greatness is what greatness does. He also taught me that to be great when there isn't any audience to applaud you is in fact true greatness. You have to be great no matter what. He's not a man of many words. He'd rather crack a joke and make people laugh than talk about his own achievements and his victories. But through his actions, he has built an empire and a legacy that will be remembered forever. I remember a time when we were literally thrown out of our home. We were literally thrown out of our home because there was no money for rent. My sister and I slept on the floor. No fan, no chadar. I remember those days. 20 years he struggled. 20 years he served. It took 20 years for destiny to finally smile upon him and give him what he deserved. But I feel, I think, I know that his greatest achievement is right now in front of you on this stage. He had a kid who stuttered so much that he could not even say the word actor. And he was not just a kid, he was 18 years old. He still couldn't say the word actor. But he saw through that exterior and he recognized a spirit that lies within him as well. The spirit that says, I will not fail. I will conquer no matter what. I will do it. The way to judge the size of a man is by the size of the problem that it takes to bring him down. And there is no problem in this entire world that can bring my father down. And that, ladies and gentlemen, makes him a giant of a man. You're a true hero, Papa. I want to invite one of his best friends, Mr. Jitendra, Jitu Uncle, to come on the stage and give him his award. I've known Rakesh, we call him Guddu. I've known him for last 40, 45 years. We have been very good friends, me, Rishi Kapoor and him. Guddu is a great director today. For me to speak about him is very silly because everybody knows he is one of the most brilliant director producers we have. And he's proved it film after film, all the films that he's made, they're such brilliant films. And the father and son combination is so lethal, it is unbreakable. And I'm sure they're going to create big, big history. Guddu, we are very proud of you, you and your son. And I think it's my honor to be here to present this honor to you.
Thank you, Ravi. Thank you, Tugu. It's a pleasure receiving this award from you, Ravi. And thank you, Stargill, for this memorable honor. I'm not a very good speaker, so I have to read. I'm humbled and proud that my own fraternity acknowledged my small contribution to this magical industry. I've been in this industry for over 4 decades, and most people look back at life and think what they could have done better. But I believe looking forward is always better. And if you do look back, just look back, remember the people and thank them who have been with you through every challenge and difficulty in your pleasant journey. My wife, Pinky, knows me better than I know myself. She has seen my most difficult times and my most wonderful moments. She has played the role of the best supporting actor brilliantly. Thank you, Pinky. My children, Sunaina and Ritik, gave me the vision to push myself to higher limits. Thank you once again for acknowledging my work and all the great people who have been on my journey. But this is not the end. This is just the beginning. Thank you. And by the way, I just have to add one more thing, that he probably is the only director in this world who wakes up his actors by himself in the morning. He will go to their rooms at 6:30 outside. Tuck, tuck. Shahrukh, 6:30 ho gaye yaar. Guddu ji. Priyanka, come on at 6 o'clock. Well, that's how he gets the work done. Thank you once again. Thank you. अब मैं जिनकी बात करने जा रहा हूं, सलाम उस परिवार को जिन्होंने पिछले 60 सालों से न सिर्फ हिंदी सिनेमा का साथ निभाया बल्कि उसे एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया है. 200 से ज्यादा जबरदस्त फिल्में प्रोड्यूस करके मैं बात कर रहा हूं नाडियाड वाला परिवार की. और 2014 में इस फैमिली की थर्ड जनरेशन ने और माइलस्टोन पार किए क्योंकि इस साल इनकी एक नहीं, दो नहीं, चार फिल्में सुपरहिट हुई. हाईवे, टू स्टेट्स, हीरोपंती और किक. ऐसे ब्लॉकबस्टर प्रोड्यूसर्स के सम्मान के लिए हम बुलाना चाहेंगे एक ब्लॉकबस्टर सुपरस्टार को. तो प्लीज वेलकम द डैशिंग खिलाड़ी मिस्टर अक्षय कुमार. हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप लोगों का? मैं एक ऐसे इंसान के बारे में बात करने वाला हूं जो एक्चुअली मेरा दोस्त सिर्फ फिल्मों के वक्त ही नहीं बल्कि मेरे स्कूल के वक्त भी है. मुझे आज भी याद है 255 नंबर की बस होती थी जो वडाला से चल के वर्सोवा जाती थी और हम दोनों साथ में सफर किया करते थे. वो रोड को क्रॉस करना भी सिखाते थे क्योंकि वो सीनियर थे, रोड के ऊपर खड़े रह के बच्चों को क्रॉस करवाते थे और मैं भी उनमें था. एंड मेरी इतनी सारी यादें उस लड़के के साथ जुड़ी हुई है, मेरे दोस्त के साथ जुड़ी हुई है. मैं इतनी सारी फिल्में उसके साथ कर चुका हूं. मुझे कभी ये भी मालूम नहीं था कि मैं मतलब उसके साथ कभी फिल्में करूंगा. पहली बात तो यह है कि मुझे यही नहीं मालूम था कि मैं फिल्मों में आऊंगा. ये तो रही मेरी उसकी दोस्ती के बारे में. एक और बात कहना चाहूंगा उनके बारे में. अगर कभी कोई मुझे कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि इंडस्ट्री के अंदर एक ही इंसान को फोन करके बोल सकता हूं और वो है मेरा दोस्त साजिद नाडियाडवाला. साजिद, थैंक यू वेरी मच माय फ्रेटर्निटी. थैंक यू माय ग्रैंडफादर टू गेट अस इन दिस लाइन. द फर्स्ट फिल्म ही डिड इन 1954 वाज इंस्पेक्टर एंड फ्रॉम दैट टाइम द जर्नी वाज टेकन फ्रॉम माय अंकल, माय फाइव अंकल्स, माय कजिन्स. आई एम कमिंग हियर एंड टेकिंग दिस अवार्ड on their behalf. Thank you, fraternity, for making me a producer from a production controller 28 years earlier. Thank you very much.